पुलिस महानिरीक्षक लक्ष्मी सिंह कल रायबरेली पहुंची थी। हम आपको अहम और बड़ी खबर बता रहे हैं। हरचंदपुर व बचरावा थानों का उन्होंने निरीक्षण किया, जिसके बाद थाना स्थानीय के समस्त अभिलेखों के रखरखाव व आगंतुक रजिस्टर कोविड-19 हेल्प डेस्क, महिला हेल्प डेस्क को भी देखा एवं मालखाने के माल रजिस्टर व माल के रखरखाव का निरीक्षण किया। अहम और बड़ी खबर बता रहे हैं, कल पुलिस महानिरीक्षक लक्ष्मी सिंह पहुंची थी हरचंदपुर और बचरावा थाने का उन्होंने निरीक्षण किया और वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे, सीसीटीएन पोर्टल, कार्यालय के अभिलेखों के साथ साथ अभिलेखों, शस्त्रों के रखरखाव की समीक्षा की गई तथा भोजनालय, हवालात, बैरिंगों की साफ सफाई को भी बारीकी से देखा गया। अहम और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, थाना हरचंदपुर और बचरावा के समस्त कर्मचारियों की समस्याओं, शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देशित भी किया गया तथा थाने पर उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों को आगामी त्योहारों के संबंध में ब्रीफ करते हुए कर्तव्यों के बारे में अवगत कराया गया। महिला संबंधित अपराधों में तत्काल समयबद्ध निष्पक्ष पूर्वक कार्रवाई करने हेतु प्रभारी निरीक्षक हरचंदपुर थानाध्यक्ष बचरावा को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए तथा विवेचकों को विवेचनाओं को त्वरित समयबद्ध निष्पक्ष पूर्वक निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। हम आपको अहम और बड़ी खबर बता रहे हैं, कल पुलिस महानिरीक्षक लक्ष्मी सिंह रायबरेली पहुंची थी, उन्होंने कल थानों का निरीक्षण भी किया। अहम और बड़ी खबर बता रहे हैं, निरीक्षण में प्रमुख तौर से रायबरेली के एसपी श्लोक कुमार, एडिशनल एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव भी मौजूद थे। इसी के साथ साथ में रायबरेली के जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव, एसडीएम सदर अंशिका दीक्षित समेत तमाम आला अधिकारी भी मौजूद थे। अहम और बड़ी खबर बता रहे हैं हम आपको कि रायबरेली पहुंची थी पुलिस महानिरीक्षक लक्ष्मी सिंह और उन्होंने हरचंदपुर और बचरावा थानों का निरीक्षण किया। रायबरेली के जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव रहे मौजूद। S7 के लिए शीतलाकांत चौधरी के साथ अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट। समाधान दिवस आज आयोजित किया जा रहा है और शासन के निर्देशों के अनुरूप आज इन पर रायबरेली के 2 थानों का निरीक्षण किया गया है, लखनऊ रूरल के भी थानों का निरीक्षण किया गया है। पिछली जितनी भी पेंडेंसी है उसका निस्तारण किया जा चुका है, लेकिन उसकी गुणवत्ता परखने के लिए कमेटी बना के सत्यापन कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ शासन के निर्देश से सभी को राजस्व और पुलिस दोनों की टीमों को अवगत करा दिया गया है कि किसी भी थाना समाधान दिवस और तहसील दिवस पर आई शिकायतों का अगले 5 दिनों में स्थायी निस्तारण कराना और यदि ज़रूरत है, आवश्यकता है तो निरोधात्मक कार्रवाई करवाना सुनिश्चित करेंगे। आशा करते हैं कि इसका अनुपालन इस जिले में अच्छे से सुनिश्चित किया जाए।